हायर लॉजिकल थिंकिंग और डिस्क्रिमिनेशन पावर, हम अच्छा बुरा अपना समझ सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं कि हम क्यों परेशान हैं या मुझे दुख क्यों है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या बनना चाहिए, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जानवरों में इंद्रिय भोग की जो स्ट्रेंथ है वो हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, बट तब भी भगवान ने हमें उनसे हायर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी है। क्यों करा भगवान ने ऐसे? क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल यही चार कार्य करना नहीं है, इससे ज़्यादा भी कुछ और करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। उसके बाद हमने देखा था, सुना था कि हम सब जो है वी ऑल आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, ठीक है, बट हम लोग हैप्पीनेस को अचीव कर नहीं पा रहे, हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे। वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस बट वी आर नॉट गेटिंग सक्सेस इन द आर इन आर मिशन, है ना। तो क्या बीच में आ जाता है हमारे खुशियों के बीच में, क्या आ जाता है? वी आर सर्चिंग राइट थिंग बट एट अ रॉन्ग प्लेस। तो ये हम सर्च फॉर हैप्पीनेस करें मतलब ठीक है, वी आर सर्चिंग फॉर अ राइट थिंग बट रॉन्ग प्लेस कैसे? क्योंकि हमारे शास्त्रों ने इस भौतिक जगत की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, क्या बताई गई है? एक तो ये दुखालयम है मतलब दुखों का घर है, दूसरा यहाँ पे हर चीज अशाश्वतम है मतलब टेम्परेरी है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अच्छा अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है? यहाँ पर हम खुद अपने एग्जाम्पल से देख सकते हैं कैसे हमारे कपड़े समय के साथ खराब हो जाते हैं, हमारे घर समय के साथ खराब हो जाते हैं, हमारा जो चेहरा है, हमारी स्किन है, हमारे हेयर है, सब समय के साथ क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं ना, परमानेंटली हम एक से नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं। तो यंग से हम ओल्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे करके फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट तो है ही नहीं, कोई चीज़ आप आके ये नहीं कह सकते माता जी देखिए ये मैं ढूंढ के आई हूँ, दिस इज परमानेंट। तो ये आपको लोगों को याद है, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कुछ बताया था आपको, दो तरह के प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम और रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना। तो हमारे और हमारी खुशियों के बीच में क्या आ जाता है? हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब लैपटॉप लेकर आए थे खरीद के, जैसे ये लैपटॉप है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो कौन इसका सॉल्यूशन जानता है? जिसने लैपटॉप बनाया है, बनाने वाला जानता है कि क्या फॉल्ट आया होगा या किसी चीज़ को कैसे मेंटेन रखना है, ये तो बनाने वाला ही केवल उस चीज़ का जानता है। वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है तो वॉशिंग मशीन के मैन्युफैक्चरर ही बता सकते हैं कि जी क्या फॉल्ट आया होगा, है ना, और क्या आप गलती कर रहे हो, उसे कैसे करना है कि वो कैसे हैंडल करना है कि आगे से वो ठीक से मशीन काम। तो हम देख रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ जो यूज़ करते हैं उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने वाला ही एक्चुअली उस चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखता है, समझ नहीं करते इस बात से। पर हम ऐसा देखते हैं कि हमारे जीवन में हमें समाज में दुख मिल रहा है, जबकि हम दुख चाहते नहीं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम, क्यों? इसका आंसर हमें कौन देगा? वो फिर कितनी सॉल्यूशन जिसने ये वर्ड मैन्युफैक्चर किया है, है ना। जैसे आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो उसके मैन्युफैक्चरर को ही उसके बारे में सब पता है, इसी तरह से इस भौतिक जगत को बनाने वाले के को भी पता है कि ये कैसे ऑपरेट होता है, ये भौतिक जगत कैसे फंक्शन करता है। पर जब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं? हम भगवान के पास नहीं जाते, हम कहाँ जाते हैं? साइंस की शरण में चले जाते हैं और ज्योतिषों की शरण में चले जाते हैं, न्यूरोलॉजी की शरण में चले जाते हैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेने के लिए, है ना। हम गॉड के पास नहीं जाते, हु इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरर। अभी पर हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी चीज़ के बारे में अगर जानकारी लेनी है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैन्युफैक्चरर विल हैव दी ऑल दी सॉल्यूशंस। बट जब हमारे इस भौतिक संसार में प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाते और इधर उधर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, इसलिए हमारी सर्च फॉर हैप्पीनेस कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो भौतिक सृष्टि है इसका निर्माण भगवान ने करा, कितने जने ये बात मान रहे ये भौतिक सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान है, ये बात कितने जने एग्री करते हैं? ऑलमोस्ट सब हाथ खड़ा करें। तो आप सब मानते हैं कि भगवान है, मतलब भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के हमारे सेशन का नाम यही है, डज गॉड एग्जिस्ट,
क्या सच में भगवान है? पहले सेशन का नाम क्या था? सर्च फॉर एविडेंस। अब दूसरे सेशन का नाम है डज गॉड एग्जिस्ट। जब मैंने पूछा कितने लोग मानते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट सब जनों ने हाथ खड़ा कर, प्रूव करिए कैसे। आपसे कोई कहेगा प्रूव करो भगवान है, आप कैसे प्रूव करोगे? हम सब कहते हैं कि भगवान है, जैसे आप सबने भी कहा, बट भगवान कौन है, कैसे है, ये हम कभी जानने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, आप तो इन क्लासेस में आ रहे हैं, अब आपको हमें बात नहीं बोल सकते कि आप जानना चाहते हो इस आ रहे हो, बट यहाँ आने से पहले कि और बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं ना, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम सब दिन रात कहाँ लगे हुए हैं, मनी अर्न करने के लिए, है ना, रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में बिजी हैं हम लोग। हम कभी अपने बिजी लाइफ स्टाइल में ये नहीं समय निकाल के सोचने का कि भगवान यदि हैं तो वो कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या कहते हैं, ये कोई भी जानने का प्रयास नहीं करता। किसी के पास टाइम नहीं है, हर कोई जल्दी में है ना, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में, अपने अचीवमेंट्स को, अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं उन्हें अचीव करने में बिजी है सब। कोई भी समय नहीं निकाल रहा जानने के लिए कि भगवान है। हम ये देखते हैं कि जब भगवान के बारे में हम बात शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं, तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए। भगवान के ऊपर चर्चा करना एक ऐसा कॉमन टॉपिक है कि यदि आप एक रिक्शे वाले को भी कह दोगे तो वो भी 10-12 मिनट का तो एक प्रवचन आपको देगी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। यदि मैं यहाँ पर मौका दूँ, यदि मैं यहाँ पर आप सबको माइक दे दूँ कि आप बताओ भगवान के बारे में कुछ बोलो, आप सब इतना बता दोगे कि हम शाम हो जाएगी। हाँ, भगवान के बारे में बोलने के लिए हम कभी कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं समझते, बताओ हम सभी तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, बट एक हमारे दिमाग में एक पिक्चर है, मतलब एक हमने अजम्पशन बना रखी है भगवान को लेकर, उसके ऊपर हम काफ़ी देर चर्चा कर सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे फैक्ट्स पे बात करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग पे बात करेंगे, इसे अजम्पशंस को हम इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं जब भगवान की ये बात होती है तो लोग बात भगवान को कहते हैं कि आई स्वेयर ऑन गॉड मैंने ये बातें नहीं कर रहा, है ना, कैसे हम भगवान की कसमें खा लेते हैं, जबकि हम अपने बारे में जानते कुछ नहीं, पर क्या करते हैं कसमें खाते हैं भगवान की बात का, भगवान की कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, ऐसा बोल देते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं, यूएस डॉलर पर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट, गॉड पे ट्रस्ट करते हैं क्या, इन डॉग वी ट्रस्ट, डॉग पे ट्रस्ट करते हैं, उनके घरों में गॉड नहीं होते, उनके घरों में डॉग होते हैं, है ना, बट वो लिखते हैं गॉड वी ट्रस्ट, लिखने में क्या जा रहा है। हाँ, और बात करो लोगों से भगवान के बारे में पूछो तो लोग क्या कहते हैं, भगवान लाइफ है, भगवान कोई महान व्यक्ति है, हाँ भगवान पहले थे अब मर चुके हैं, इस तरह की अलग अलग धारणाएं लोग भगवान के बारे में रखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हम भगवान अगर हैं तो कैसे जानेंगे, समझेंगे कि भगवान हैं। ठीक है, और भगवान कौन है, भगवान की डेफिनेशन क्या है, आज हम इसी दो टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की टीचिंग्स पर ही आधारित है। हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जो हमारे मन से क्रिएट करा गया हो। ठीक है, हमारे आचार्यों ने इनको ऑथराइज करा है इस नॉलेज को, इसीलिए हम इसे आगे पास ऑन कर रहे हैं, और जो भी हम चर्चा करेंगे सब लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड है। कुछ हर अर्ज के नेचर में फुलफिलमेंट अवेलेबल है, कैसे, जब भूख लगती है तो हमें प्रकृति से खाना मिल जाता है, प्यास लगती है तो प्रकृति से हमें जल मिल जाता है, हम सांस लेते हैं तो प्रकृति हमें ऑक्सीजन दे देती है ना, और इन सब चीज़ों का कोई चार्ज भी नहीं है। तो किसी ने तो ये सिस्टम ऐसा बनाया कि हमें जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है वो सब चीज़ें नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, उनकी आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी। कोविड में बात और थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में बिक रहे थे, हाँ, बट अदरवाइज भगवान ने तो अरेंजमेंट ऐसा करा है कि आपको अपनी सर्वाइवल के लिए कहीं पर भी मनी लगाने की आवश्यकता नहीं है।
भगवान आप कितने ऑक्सीजन यूज कर रहे हो उसका बिल भरना था, आपको नहीं भेज रहे, है ना। हर चीज एम्पल मात्रा में, कितनी भी जनसंख्या क्यों ना हो जाए, एम्पल मात्रा में हर चीज हमारे लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं अपने आसपास, हम भगवान के होने को समझने की, हम कैसे समझेंगे कि भगवान है, कैसे आप दूसरों को बताओगे कि भगवान एक्चुअली है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, देयर इज फॉर एवरी अर्थ देयर इज अ फुलफिलमेंट, एवरी क्रिएशन इम्प्लाइज अ क्रिएटर। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी क्रिएशन इम्प्लाइज अ क्रिएटर। कैसे समझेंगे, जब भी आप कोई पेंटिंग देखते हो, हाँ, तो सबसे पहले मन में क्या आता है, किसने बनाई है ना। मोनालिसा की पेंटिंग बड़ी फेमस है ना, पर वो भी किसी ने बनाई। इसी प्रकार हम अपनी नेचर में देखते हैं कितनी सुंदर सुंदर लैंडस्केपिंग भगवान ने दिए हैं हमें, है ना। कहीं पे सुंदर झरने दिए हैं, कहीं पे सुंदर हरे भरे पर्वत दिए हैं, है ना, कहीं पे सुंदर सुंदर समुद्र दिए हैं। तो भी ये सब देख के हमें ये लगता है कि इसके पीछे भी कोई होगा। जब एक पेंटिंग बनाने के लिए किसी की आवश्यकता है, तो क्या ये सृष्टि बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होगी। आप कार देखते हो तो कार का भी कोई मैन्युफैक्चरर है, आप रिस्ट वॉच पहनते हो तो रिस्ट वॉच का भी कोई मैन्युफैक्चरर है। तो क्या सृष्टि को का कोई मैन्युफैक्चरर नहीं होगा, होगा ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, एवरी अर्थ हैज अ फुलफिलमेंट वन पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एवरी क्रिएशन हैज अ क्रिएटर, ठीक है। हम अपने आसपास इतनी सारी चीजें देखते हैं जो किसी के द्वारा क्रिएट करी गई हैं, लाइकवाइज प्रकृति भी अपने आप क्रिएट नहीं हुई। इसमें आपको एक उदाहरण हम देंगे जिससे आपके बात हमेशा याद रहेगी। न्यूटन, साइंटिस्ट न्यूटन को कौन कौन जानता है, तो न्यूटन जो थे, एक बार उन्होंने क्या करा, अपने घर में पूरा ये जो यूनिवर्स होता है इसका एक मॉडल तैयार था। उस मॉडल में क्या था, डिफरेंट प्लैनेट्स इधर उधर घूम रहे हैं, जो जैसे फंक्शन बताता है साइंस, सब कुछ ऐसे ही उसने वो उस मॉडल में प्रेजेंट करा। और फिर अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करा अपने घर पे, जो साइंटिस्ट फ्रेंड्स थे उसके। तो जब साइंटिस्ट फ्रेंड उसके घर आते हैं तो वो जो मॉडल देखते हैं तो बड़े वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं न्यूटन ने किसने बना दिया। न्यूटन बोला, ये बस किसी ने नहीं बनाया, मैं तो घर आया तो मैंने देखा ये टेबल पर एज इट इज, मतलब प्रकट हुआ हुआ था, ये जिस आ गया, ये किसी ने बनाया नहीं। तो वो लोग कहने लगे, अच्छा तो तुम्हें बेवकूफ समझते हो क्या, ये मॉडल कोई अपने आने वाली चीज़ है, ये तो किसी ने बनाई है, साफ पता चल रहा है। तो न्यूटन बोला कि जिस तरह से एक छोटा सा टेबल साइज मॉडल देख के आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ये अपने आप आ गया, और आप कह रहे हो इसको बनाने वाला कोई है, उसी प्रकार एक पूरी सृष्टि अपने आप कैसे आ सकती है, इसको भी तो बनाने वाला कोई होगा। हाँ, तो बिग बैंग थ्योरी आप किस किस किसने सुनी है, क्या है बिग बैंग थ्योरी, जो बड़ा एक्सप्लोजन है ना। बिग बैंग थ्योरी आप सबने स्कूल में पढ़ी है, और हमारे तो सीबीएसई भी पढ़ा रही है उसे, जबकि आपको पता है बिग बैंग थ्योरी तो बहुत सारे रिजेक्ट हो चुकी है, बहुत ईयर्स हो चुके हैं बिग बैंग थ्योरी को रिजेक्ट हुए हुए, अब कोई भी फॉरेन कंट्री इस थ्योरी को नहीं पढ़ाती, बट इंडिया में पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाया जाता है कि एक धमाका हुआ और धमाके से ये पूरा सृष्टि का निर्माण हो गया। हाँ, तो आप लोग कभी कभी देखा दीपावली पे कोई कहीं पे बिल्डिंग खड़ी हो गई हो, कहीं पे बाग बन गया हो, कहीं अचानक से झरना बहने लगा हो, हाँ दीपावली पे डंडे ब्लास्ट करते हैं। अच्छा, ब्रह्मांड नहीं बने कि छोटा मोटा सा कोई एक घर ही बन जाए, नहीं ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जिस लैंड पर आप पटाखे छुड़ाते हो, बॉम्ब को ब्लास्ट करते हो, उसमें आग लगाते हो, वहाँ की घास भी जल जाती है, वहाँ भी बहुत समय तक दोबारा घास उगती नहीं। आज तक कभी आपने ऐसा देखा कहीं ब्लास्ट होने पे कोई क्रिएशन हुई हो, कहीं तो देखा होगा। जब साइंस कह रही है कि बिग बैंग थ्योरी ने सृष्टि की रचना करी है, तो कुछ कहीं तो दोबारा ऐसा ब्लास्ट हुआ होगा, और दोबारा सृष्टि की रचना नहीं, तो कुछ थोड़ा बहुत कुछ कहीं रचना हो जाती, बताओ। तो साइंस क्या कहती है, ये सब बाई चांस हुआ, वो उस टाइम जो टेम्परेचर था, जो हीट थी, जो प्रेशर था, वो इतना मतलब एप्रोप्रिएट था कि वो सृष्टि का निर्माण कर सके। तो ये सब कोइंसिडेंस दोबारा कभी नहीं हुए,
कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे? सेवन। हमारे शास्त्रों में हमेशा से हमारे को बताया गया है सप्त द्वीपालय, हमेशा से, किसी ने करेक्शन नहीं करेंगे कि कहीं पे कम बताए गए हो और फिर उनको करेक्ट करके सात बताया गया हो। हमेशा से हमारे शास्त्र बताते हैं सप्त द्वीपालय हैं, ठीक है। बट साइंस ने तो ये बताया कि छह है, सिक्स कॉन्टिनेंट्स बताए गए थे इनिशियली हम लोगों को, और बाद में उनको एक और कॉन्टिनेंट मिल गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सिक्स गलत थे, सेवन कॉन्टिनेंट्स। तो क्या करते हैं, बार बार इन्वेंशन करते हैं, उनके रिजल्ट को खारिज करते हैं और फिर दूसरी दूसरे रिजल्ट आपके सामने करते हैं, ठीक है। अब हम अपने आसपास जितनी भी क्रिएशन देखते हैं उसके पीछे हम देखते हैं एक सुप्रीम क्रिएटर है जिसने सब कुछ बनाया है, क्योंकि यूनिवर्स बनाने के पीछे साइंस क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी। बट खुद ही तो चेक कर देती है, हम भी जानते हैं अगर बिग बैंग से कोई क्रिएशन होनी थी, बिग बैंग जैसा कुछ हुआ भी था ब्लास्ट, तो ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि छोटे मोटे ब्लास्ट में कोई छोटी मोटी क्रिएशन हो गई, है ना। तो हम देखते कि इन सब के पीछे कोई तो है पर वो कोई और है, ये बाई चांस नहीं हुआ, कोई किसी ने तो क्रिएट कर लिया इन सारी चीज। फिर आता है एवरी लॉ हैज अ लॉ मेकर, ठीक है। कैसे आप ये देखते हो कि जब आप सड़क पे जाते हो तो ट्रैफिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, है ना। रेड लाइट होगी तो आपको रुकना है, ग्रीन लाइट होगी तो आपको चलना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पैदल जाने वाले लोग जाएंगे केवल, इस तरह से कुछ रूल्स हैं ना। तो वो रूल्स किसी ने तो बनाए हैं, ये रूल्स किसी ने तो बनाए हैं, है ना। इसी तरह से हम अपनी प्रकृति में बहुत सारे रूल्स देखते हैं। क्या रूल्स देखते हैं, कैसे हमारे वेदर चेंज होते हैं, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, फिर सर्दी आएगी, है ना। और रोज सूर्य अपने समय पे उदय होगा, अपने समय पे अस्त हो जाएगा। कभी ऐसा होता है कि सूर्य देवता उदय ही नहीं हुए, सूर्य देवता ने ये कह दिया आज मेरा मूड नहीं है, हाँ आज मैं नहीं दर्शन दूंगा, आज चंद्रमा ही दिखेगा मुझे, ऐसा होता है कभी। या सूर्य देवता तो अस्त हो गए हम समय पर, चंद्रमा प्रकट ना होगा, उन्होंने कह दिया आज मैं छुट्टी मनाऊंगा। कभी देखा है ऐसा? तो हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे भी समाज में बहुत सारे लॉज हैं, है ना, उन लॉज को बनाने वाला कोई है जिसने वो लॉज बनाए हैं। इसी प्रकार से प्रकृति भी बहुत सारे लॉज काम कर रहे हैं, कि प्रकृति भी बहुत सारे नियमों के अधीन ही कार्य कर रही है ना। तो इन नियमों को भी तो बनाने वाला कोई होगा। जब एक रेड लाइट ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है, हाँ ट्रैफिक लाइट जो बनी वो तो कुछ सेलेक्टेड ट्रैफिक के लिए बनी है ना, पर ये पूरी सृष्टि को जो चला रहा है, इसके इसको चलाने में जो नियम और कानून लग रहे हैं, इनका निर्माण करने वाला कोई नहीं होगा। ये सब बाई चांस बन गए, बाई चांस रोज सूर्य अपने समय पे उदय हो रहा है, बाई चांस सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा के आने के टाइम हो जाता है। हाँ ये बाई चांस हो रहा है कि आप ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। क्या जबरदस्त कोइंसिडेंस है ना नेचर में, जो चीज हमें चाहिए वो हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो रही है, जो हमें नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली कोई और कंज्यूम कर रहा है। क्या क्या सब कुछ बाई चांस, आपको लगता है ये सब बाई चांस हो रहा है? कितने सिस्टम से काम कर रहा है हमारी नेचर। हाँ जब गर्मी आएंगी तो कौन से फ्रूट्स आएंगे, हाँ कि जो आपके अंदर वाटर की जो वाटर रिटेंशन को मेंटेन रखेंगे, है ना, वाटर लेवल्स को मेंटेन रखेंगे। सर्दियों में कैसा फ्रूट आएगा जो उस टाइम के वेदर के हिसाब से आपके लिए ठीक होगा, होता है कि नहीं होता। हर चीज हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल होगी नेचर में, और इसे बाई चांस हो रहा है। एवरी लॉ हैज अ लॉ मेकर, जैसे हमारे समाज में भी डिफरेंट लॉज के पीछे कोई एक लॉ मेकर होता है, उसी तरह से प्रकृति में भी जो नियम चल रहे हैं उनको बनाने वाला कोई। तो तीन चीजें आपने डिस्कस कर ली, ठीक है। फिर हम देखते हैं ऑर्डर एंड डिजाइंस, मतलब आप बहुत सारी क्रिएशन देखते हो पर उस क्रिएशन में कितनी आप वेराइटीज देखते हो। जैसे टेबल का एग्जाम्पल आप देख सकते हो,
कैमल रेगिस्तान का जानवर है ना, तो उसकी बॉडी की जो बिल्ड है उसकी वो कैसी बनाई गई है ताकि वो रेगिस्तान में सर्वाइव कर सके। जैसे उसके जो यहाँ पे हम्प निकला हुआ है ना कैमल के हम्प, वो एक्चुअली उसका वाटर टैंक होता है हाँ, और जो उसके लेग्स होते हैं वो इतने लॉन्ग इसलिए होते हैं ताकि जो वो रेगिस्तान में चले तब धस जाते हैं ना वह तब भी वो वॉक कर सके, है ना। तो हम इस तरह से देखते हैं कि नेचर में बहुत सारे ऑर्डर्स एंड डिजाइंस अवेलेबल हैं। बर्ड्स देखो तो बर्ड्स कितने प्रकार की हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स अवेलेबल है, पर एक कॉमन चीज है सब में, दे ऑल कैन फ्लाई, है ना। अब वो अपने वेदर के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी कर लेती हैं, ये भी बाई चांस है। कौन बताता है बर्ड को किस किस डायरेक्शन में जाना है, जहाँ पे उसके अनुकूल मिलेगा उसको जो क्लाइमेट है, और वो एक दो नहीं जाती, वो सबको आवाज लगा लगा के बुलाती है, चिंकी टूपी आ जा, मिंकी टूपी आ जा, सब साथ चलेंगे, जैसे हजारों करोड़ों बर्ड्स एक साथ आ जाएंगी और फिर वो सब के सब धावा बोल देंगे कहीं और, ऐसा होता है क्या कुछ कैसे उनको पता चल जाता है कि यहाँ से माइग्रेट होने का टाइम आ गया, तो कान में पता चल और सबको पता चल जाता है उस कैटेगरी के जितने भी बर्ड्स हैं सबको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ से जाने का टाइम आ गया, सब इकट्ठी होके हो जाएंगे। कभी किसी को काम करते देखा इसके पीछे, कैसे बर्ड को ये पता है कि मैं अपनी बीक से एक एक सीड लेके अपने बच्चे को फीड करूँ, देर इज नो अदर वे टू फीड माई चाइल्ड। हमें तो हम तो उनसे ज़्यादा सुपीरियर इंटेलिजेंस के हैं, तभी हमारी मम्मियाँ भी सिखाती हैं बच्चे को कैसे खाना खिलाओ, डॉक्टर सिखाती है, कितनी भूख सा रही है सिखाने के लिए, ट्रेनिंग दी जा रही है टू बी मदर्स को बच्चे को खाना कैसे खिलाओ, जबकि हम उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि नहीं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देगा तब भी उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं खा पी के तंदुरुस्त, कोई कमी नहीं रहती, माँ ने बहुत अच्छे से पोषण करा होता है उनका। कभी सोचा है आपने सब चीज़ों के पीछे कि कैसे काम कैसे कर रही है ये? एक बर्ड को हम देखते हैं तो कितनी तरह की चिड़िया हमें मिल जाती है अनगिनत प्रकार से हाँ, ऐसे आप अगर फ्लावर्स देखो तो कितनी तरह तरह के फ्लावर्स आपको दिख जाएंगे जो अलग अलग क्लाइमेट में खिलते हैं, हर क्लाइमेट का एक अलग ब्रीड आ जाता है। तो हम देखते हैं सब बाई चांस नहीं हो सकता, उन सबके पीछे भी बनाने वाला कोई, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि इन सब चीज़ों के पीछे किसी एक सुपर मैन का हाथ है, ये सब चीज़ें बाई चांस नहीं है, नेचर बाय चांस कर रहे ठीक है। समझ में आ गया कैसे आप भगवान के होने को समझोगे, कैसे आप दूसरों को समझाओगे? आपने मुझे कहा, मैंने पूछा आप सब मानते हो भगवान है, आप सबने कहा भगवान है, मैंने कहा अच्छा प्रूफ करो भगवान है, नहीं कर पाए, कैसे आप मानते हो कि भगवान है हाँ। तो जब आप आपको ये पॉइंट्स पता चल गए कि कैसे हमारे नेचर में हर अर्ज के लिए फुलफिलमेंट है, कैसे हर क्रिएशन के पीछे एक क्रिएटर है, कैसे हर लॉ के पीछे एक लॉ मेकर काम कर रहा है ना, कैसे हम अपने नेचर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटीज देख रहे हैं, ऑर्डर एंड वैरायटीज अवेलेबल है हमारे लिए, ये सब चीज़ें बताती हैं कि कोई तो है जो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है और मेंटेन कर रहा है। एग्जाम्पल में आपको न्यूटन का हमने एग्जाम्पल बता दिया, न्यूटन ने क्या बताया कि जैसे एक मॉडल छोटा सा अपने आप नहीं बन सकता, ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि भी अपने आप नहीं बन सकती, इसलिए बिग बैंग थ्योरी गलत है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी समय निकाले सोचने के लिए तो वो मजबूर हो जाएगा भगवान की एग्जिस्टेंस को मानने के लिए, यदि कोई थोड़ा भी समय निकाल के लॉजिकल थिंकिंग जो उसको भगवान ने दी है उसका प्रयोग करके अपने आसपास भी देख लेगा तो भी वो मजबूर हो जाएगा मानने के लिए कि भगवान है, पर क्या हो रहा है ना तो वो समय दे रहा क्योंकि उसको आहार निद्रा भय रहते उनसे फुर्सती नहीं है, वो इंडिया चार एक्टिविटीज में बिजी है क्योंकि वो दो पैर का सोफिस्टिकेटेड एनिमल बन के जीने में ज्यादा खुश है। तो अब आपको समझ में आ रहा है रूट कॉज क्या है, हमारी सारी मिजरीज की तक जड़ क्या है,
क्योंकि हम चीजों को सही तरीके से जानने का प्रयास करते ही नहीं, अपनी हायर लॉजिकल इंटेलिजेंस का हम प्रयोग करते ही नहीं। यदि हम करने लगेंगे तो हमारी सर्च फॉर हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें इटर्नल हैप्पीनेस मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए वो कई भक्त कहते हैं, जो कहते हैं ना कि इस्कॉन के भक्त इतने खुश क्यों रहते हैं, ये नाटक करते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे ड्रामा करना सिखाया जाता है, कैसे हमेशा खुश रह जाए। हाँ, ड्रामा कंपनी चलाता है इस्कॉन? जी नहीं, इस्कॉन कोई ड्रामा कंपनी नहीं चलाता। जो भगवान ने आपको पावर्स दिए हैं, उन पावर्स का यूज करके सही चीज को सही जगह पर ढूंढना सिखा है ना। आप ऐसे चक्षु प्रदान कर देता है कि आप सत्य को देख सकते हो, समझ सकते हो, और फिर जीवन में आपके आनंद कभी आपके जीवन से आनंद जाएगा नहीं बल्कि बढ़ेगा ही। ठीक है, हमने जाना कि हम भगवान के होने को कैसे जान सकते हैं। ठीक है, अब हम भगवान की डेफिनेशन पे आ जाएंगे। He is the supreme source, supreme proprietor. He is the supreme source. He is the supreme control. क्या बताया मैं? Proprietor. He is the supreme enjoyer and he is the supreme controller. ये God की definition है कि जो भी God की category में आएगा, ये चार चीजें उनके अंदर होनी चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि ये गुरुजी भगवान है, कई आपने देखे होंगे जो गुरु को अपने भगवान बताते हैं, है ना? तो वो चार क्वालिटीज आप देखो कि उनमें है या नहीं। तो कैसे भगवान को हम समझेंगे, भगवान की डेफिनेशन को जानेंगे? ही इज द सुप्रीम सोर्स, ही इज द सुप्रीम प्रोपराइटर, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर एंड ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। ठीक है, सबसे पहले हमारा ही इज द सुप्रीम सोर्स। तो हम ये देखते हैं कि आपके आसपास जो कुछ भी है, जो कुछ भी, उसकी सोर्स क्या है बताओ। अभी आपको इस रूम में क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, जो भी दिख रहा है बताओ। व्हाट इज द, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस टेबल, आप क्या बोलोगे? ट्री की सोर्स क्या है? रॉक्स माउंटेन्स है, माउंटेन्स कहाँ से है? नहीं बताओ, कुछ और सोर्स होगी उनकी बताओ। ऐसे आप सब चीजें बता सकते हैं, कपड़े जो आपने पहन रखे हैं, व्हाट इज द सोर्स? कपड़ा किससे बनता है? कॉटन। कॉटन कहाँ से आती है? पौधा कहाँ से आता है? फिर आपको हर चीज की, आप कोई भी चीज अपने आसपास देख लो, जब आप उसके रूट में जाओगे तो आपको भगवान नजर आएंगे। एक ऐसी जगह आप पहुंच जाओगे जो आपको पता ही नहीं होगा कि वो कहाँ से आएगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट? समझ जाओ कि जिसकी सोर्स आपको पता नहीं चल रही, उसकी सोर्स भगवान ही है। जने ऐसे जो कहते हैं माता जी, जो आप बता रहे हो ये सब चीजें प्रोवाइड करने वाली तो नेचर है, ये सब चीजों की सोर्स तो नेचर है। ठीक है बच्चे, कहेंगे एक्चुअली ये सब चीजों की सोर्स नेचर है, बट नेचर उन्होंने कहा भगवान ने बनाई है, इसको जस्टिफाई कैसे करो? भगवत गीता अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10, 9.10 गीता का अध्याय नंबर 9 जो है उसका नाम क्या पता है? परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवान अर्जुन को भगवत गीता में मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहे हैं, और उस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? माया लक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरा, माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरा, हेतुनानेन कौन्तेया जगत् दी परिवर्तते, हेतुनानेन कौन्तेया जगत् दी परिवर्तते। भगवद्गीता में मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में
भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि नेचर जो है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और क्या बता रहे हैं, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं। नेचर की सोर्स भी क्या है, भगवान ही है, क्योंकि भगवान खुद यहां बता रहे हैं, है ना। सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्तिया, सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्तिया तासां ब्रह्म महद्योनि अहम् बीज प्रदापिता। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, हे कुंती पुत्र तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। आप कुछ भी देखते हो सबकी सीड की भी फादर कौन है, भगवान श्री कृष्ण। आपको दो श्लोक आज मिल गए, एक 9.10 था और एक 14.4। यहाँ पे भी भगवान क्या बता रहे हैं कि सभी प्रकार की योनियों का बीज प्रदान करने वाला पिता मैं। आप को ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस से जुड़ना है और चीजों को संपूर्ण रूप से समझना है। जब आप ऑथेंटिकेटेड चीज से जुड़ते हो तो आपको पता चलता है क्या सही है और क्या गलत है, वेरस बाकी कोई भी नॉलेज दे रहे या तो वो रॉन्ग है या वो हाफ है। Half knowledge is also very dangerous. तो अभी हमने देखा कि कैसे सुप्रीम सोर्स है भगवान, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था मैंने, सुप्रीम प्रॉप राइटर। इसको कैसे समझो कि भगवान सुप्रीम प्रॉप राइटर है, बताओ। प्रॉप राइटरशिप से आपको क्या मतलब है, ओनरशिप। प्रॉप राइटरशिप मतलब ओनरशिप। आपका घर या तो अभी आपके फादर ने बनाया, ठीक है, या उन्हें पेरेंटल प्रॉपर्टी के रूप में मिल गया। तो या तो आपके घर की प्रॉपर्टीशिप आपके फादर के पास है या आपके दादाजी के पास है, या दादाजी ने अपने फादर से लिया होगा, उनके फादर ने उनके फादर से लिया होगा। पर एक समय तो ऐसा होगा जब ये आपके परिवार के पास नहीं होगा, तब ये किसके पास था, किसके पास था, सोच के बताइए, बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग लगाइए। हाँ, तब ये गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ही तो कॉलोनीज काटती है ना। जैसे MDA मेरठ का, मेरठ डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो MDA प्लॉट्स काटती है, फिर उन्हें बेच दिया। तो आप कहोगे माता जी हमसे पहले तो MDA का था, बट का मेरठ हमेशा से है। ये स्टेट्स के डिविजन्स, ये देशों के विभाग, ये तो बाद में हुए। एक टाइम में तो एज ए होल ये सब प्रेजेंट था, डिमार्केशन तो उसके बाद हुए। ये इंडिया है जी इंडिया में, ये यूपी है जी यूपी में, ये मेरठ है जी, ये तो कब के कब कितनी बाद में आगे डिमार्केशन है, ये हमेशा से है। एक टाइम में तो पूरी सृष्टि जो थी ये सब एज ए होल एक ही थी, जब कोई बंटवारे नहीं थे तब ये किसकी थी, तब तो कोई सरकार भी नहीं थी, तब कौन था इसका प्रोपराइटर। इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, कौन है उनके प्रोपराइटर, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कौन है उनके प्रोपराइटर, सुंदर सुंदर झंडे बह रहे हैं, हु इज द प्रोपराइटर, कृष्णा इज द प्रोपराइटर। इसे कृष्ण और समझ सकते हो कि आप एक लिमिटेड प्रॉपर्टी के प्रोपराइटर बन सकते हो, बट कृष्ण तो संपूर्ण सृष्टि के प्रोपराइटर है, सब कुछ ही उनका है। आप लिमिटेड हो, आपके 10-15-20 में मानती हूँ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ ही होंगी। भगवान की प्रोपराइटरशिप क्या, आपकी प्रोपराइटरशिप तो बहुत छोटी है ना। समझ गए कैसे भगवान सुप्रीम प्रोपराइटर है, एक तो हर चीज एक्चुअली भगवान की है और हमेशा से ही भगवान की रही। जब कल सब कुछ खत्म हो जाएगा, सपोज एक समय ऐसा आया कि सब ध्वस्त ध्वस्त हो गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, तब ये लैंड बचेगा, तब तो सरकार भी नहीं बचेगी ओनरशिप दिखाने के लिए। सबको अल्टीमेटली भगवान के पास ही पहुंचाना है, क्योंकि वो ही सुप्रीम प्रॉपराइटर है। हर चीज यहाँ की भगवान की ही प्रॉपराइटरशिप में है और अल्टीमेटली भगवान की ही प्रॉपराइटरशिप में चली जानी है। आपका घर भी हमेशा रहने वाला नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि अगर आप लोगों की जीवन काल में वो एज इट इज रह जाए, वरना तो चांसेस है डिमोलिश आपकी जीवन काल में हो जाएगा। आप थोड़े समय के लिए आके काम जुड़ो से अपना कर लेते हो, पर अल्टीमेटली जाना सब भगवान के पास ही, ठीक है। समझ में आ गया सुप्रीम प्रॉपराइटर है। अब थर्ड क्या था, सुप्रीम इंजॉयर। तो हम देखते हैं भगवान सुप्रीम इंजॉयर कैसे हैं, इसको हम एक उदाहरण से ले सकते हैं।
कि एक बार एक अंग्रेज भारत घूमने आए, तो जब वो आया तो वो हमारे मंदिर तो बहुत फेमस है, हम तो अपने मंदिरों के लिए फेमस है, तो वो हमारे मंदिरों में भी दर्शन करने गया। तो वहाँ पर उसने देखा शिव जी हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, दुर्गा माँ है, उनके हाथ में उनके हाथ में भी अस्त्र शस्त्र हैं, पर एक ही भगवान श्री कृष्ण है जिनके हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं, ये तो केवल बांसुरी बजा रहे हैं, उनके पास कुछ आड़ियाँ और इनके साथ उनकी बमसट खड़ी है, मतलब राधा रानी खड़ी है, वो भी बड़े आनंद में दर्शन दे रही है ना, दोनों बड़े आनंद में भगवान की प्रतिमा देख कर। तो इससे उसको उसने क्या क्या एजम्पशन लगाई कि हर कोई व्यक्ति जो हर कोई देवी देवता जो है वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर एक यही व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बस इंजॉय कर रहा है ना, इसको सिर्फ इंजॉय कर रहा है। अखिल कोटि ब्रह्मांड के जो स्वामी है इसकी सुप्रीम इंजॉयर, वो उन्हें कोई अपने पुत्र के रूप में प्यार कर दिया है, कोई अपने प्रेमी के रूप में प्यार कर दिया है, कोई अपने पिता के रूप में प्यार कर दिया है। हाँ, भगवान के आगे भगवान को पसंद करने के लिए हम नृत्य करते हैं, हम बीच नृत्य करते हो क्यों करते हो, भगवान को आनंद पहुँचाने के लिए, कीर्तन करते हो क्यों करते हो, भगवान को आनंद पहुँचाने के लिए। कैसे भगवान श्री कृष्ण कि वो हर समय आनंद ही ले रहे हैं, हर कोई उनको प्रसन्न करने में ही लगा हुआ है, इज इंजॉइंग एवरीथिंग। प्रसाद भोग की बात आएगी तो इज इंजॉइंग अनलिमिटेड भोग इन जगन्नाथ जी, कितना खाते हैं भगवान वहाँ पर, थकते नहीं, इज इंजॉइंग ऑल द टाइम। सुप्रीम का मतलब पता है आपको, सुप्रीम का क्या मतलब होता है, सबसे ऊंचा सर्वोच्च, सर्वोच्च, सर्वोच्च का अर्थ होता है ना ही तो कोई उनसे ऊपर, ना ही कोई उनके बराबर, मतलब उनके बराबर भी कोई नहीं आ सकता, उसका मतलब होता है सुप्रीम। तो जो गॉड होंगे, जो भी गॉड होंगे, वो सुप्रीम सोर्स होने चाहिए, सुप्रीम प्रोप्राइटर होने चाहिए, सुप्रीम इंजॉयर होने चाहिए, मतलब उनसे बराबर या उनसे ऊपर उनके आसपास भी कोई हो नहीं सकता, इसकी सुप्रीम। ठीक है, तीसरा चौथा हमने क्या लिखा था, कंट्रोल। तो हम ये देखते हैं कि कंट्रोल के लिए हम कैसे समझेंगे कि जब आप स्पेस में साइंटिस्ट लोग सैटेलाइट भेजते हैं तो आपने देखिए कितने बड़े बड़े कंट्रोल रूम होते हैं वहाँ पर, अनगिनत स्क्रीन्स लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, है ना, हर तरफ, और बीच से वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं हर कॉर्नर, सब कुछ देख रहे हैं कि कहाँ सैटेलाइट जा रही है और उसे कहाँ भेजना है। तब भी 90% सैटेलाइट्स फेल हो जाती है, वो या तो डेस्टिनेशन पे पहुँच ही नहीं पाती, बीच में ही खत्म हो जाती हैं, या वो गलत जगह पहुँच जाती हैं, पहुँच के वहाँ खराब हो जाती हैं, अपना कार्य नहीं कर पाती, जिसलिए उनको वहाँ भेजा गया। ठीक है, तो हम देखते हैं जब एक सैटेलाइट हमें भेजनी होती है तो हम कितने कंट्रोल रूम्स लगाते हैं, हाँ, और वहाँ बैठ के कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सैटेलाइट को यहीं से, और उसमें भी सफलता की गारंटी नहीं होती। पर भगवान श्री कृष्ण अपनी मात्र क्या, कुछ एफर्ट भी उनको लगाना नहीं पड़ रहा, सारे प्लैनेट्स अपने इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल स्पीड में, सेम स्पीड में कॉन्टिन्यूसली घूम रहे हैं। कभी कोई प्लैनेट ऐसा हुआ है कि आपस में टकरा गया हो, ब्लास्ट हो गया हो, एक नया ब्रह्मांड बन गया, हाँ ऐसा हुआ है कभी, बताओ, सारे प्लैनेट्स अपनी दूरी पर एक दूसरे से वही सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रहा, उसके भगवान को कोई कंट्रोल रूम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हर चीज जस्ट भगवान के इच्छा अनुसार कार्य कर रही है, कृष्णा को कुछ कर नहीं करना पड़ रहा प्रयास। यहाँ पे हम छोटे छोटे प्रयास करने के लिए भी कितने अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, है ना, Why? Because the God is supreme controller. उनके बड़े कंट्रोल के आगे सबके कंट्रोल फेल है। जैसे आप देखो भगवान का कंट्रोल आपने देखा ही, कैसे हमने बनी बनाई की पीटी हमारी सारी हो गई, है ना, ये कंप्यूटर भी फेल है भगवान के कंट्रोल के आगे, समझ गए। तो जो भगवान होंगे उनकी क्या क्वालिटी होगी, He should be a supreme source, a supreme proprietor, supreme enjoyer and supreme controller. आप स्पेक्टर की भी याद कर सकते हो, SPEC। ठीक है, तो ये क्वालिटीज आपको भगवान की पता चली है। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। जगत गुरु शील और पाद की जय।